आज हम लोग तपेदिक या टीबी या ट्यूबरकुलोसिस से इलाज करवा रहे बच्चों के माता पिता एवं स्वास्थ्य कर्मियों से बात करेंगे, यह जानने के लिए कि जब टीबी से बचाव मुमकिन है, टीबी की जांच और इलाज सरकारी डॉट्स केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध है, तो फिर क्यों पिछले साल भारत में 20 लाख लोगों को टीबी रोग से जूझना पड़ा, क्यों 5 लाख लोग टीबी की वजह से मृत्यु के शिकार हुए, विश्व स्तर पर पिछले साल 88 लाख लोगों को टीबी रोग से जूझना पड़ा और 14 लाख लोग मृत्यु के शिकार हुए। टीबी से ग्रसित होने वाले इन लोगों में औसतन 15 से 20% बच्चे थे। चूंकि बच्चों में टीबी बड़ों से संक्रमित होती है, इसलिए जब तक हम लोग बड़ों में टीबी नियंत्रित नहीं करते, बाल टीबी नियंत्रण मुमकिन नहीं। आइए जाने कि टीबी से इलाज करवा रहे बच्चों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, हमारी टीबी नीति क्या कहती है और हकीकत क्या। अभी चल के आ रही है। अरे साल भर इलाज पहले करे ना, नहीं पता चला के बुखार है, बुखार है, परा रहे। अच्छा। तब एक दिन कहे लोहियम चलो हमारे पर्चे है तो दिखा दो। चले पहले एक साल तक आप दिखाती रही? हाँ, दवा सुई लगाते रहे, पैसा गवर्नमेंट अस्पताल में दिखाई थी या प्राइवेट? सरकारी प्राइवेट में बहुत दिखा, सरकारी में एक बार लोहिया ले गई। अच्छा, जब एक बार लोहिया सरकारी में ले गई तब पता चला कि टीबी है? नहीं, प्राइवेट में तो खर्चा बहुत। अरे 5 दिन की दवा दे रहा है, 500 की 1000 रुपए की दवा। अच्छा, ऐसे लगभग एक साल तक चलता रहा? एक साल करे हमने। अरे ज्यादा 4-5 हजार की बैठे रहे महीना। एक महीने 100 रुपए का इंजेक्शन लिख रहा है। जो सुई लग जाए तो फायदा। अच्छा। हो जाए तो ये बात, फिर पैसा ना हो तो फिर वो आज 4 साल से खांसी। कब पता चला आपको टीबी की बीमारी? टीबी नीति के अनुसार नए टीबी रोगी तक समुचित सेवाओं को जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, परंतु यहां टीबी से जूझ रहे बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाएं सालों देर से पहुंची। हालांकि निजी स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक टीबी उपचार प्रदान करने के लिए प्रयास हुए हैं, मगर यह पर्याप्त नहीं है। छत्ता बताइन है फेफड़े की टीबी का, तो कोई पैसा या बाहर से कोई दवा तो नहीं लिखे थे? नहीं, बाहर नहीं लिखे दिया गया ना, फिर हम देन कहीं दवा खरीद लोगे हम, पर कहीं डॉक्टर साहब गरीब हैं तो कहीं कि दवा खिला ले जाओ। तीसरे दिन पर हम फ्रेंड दवा खवा ले तो कहीं ठीक खवा ले जाओ, फिर 10 दिन अस्पताल। हाँ, वो दवाई फ्री। क्या आपको ये मालूम था कि दवाएं फ्री मिलती हैं? डॉक्टर ने बताया, पहले नहीं मालूम था कि टीबी नीति के अनुसार चार्टर आदि लागू होना चाहिए, परंतु टीबी से जूझ रहे बच्चों के परिवारजनों को डॉट्स केंद्र आने से पहले यही नहीं पता था कि टीबी दवा निशुल्क मिलती है। डॉट्स केंद्र आते आते वे अपनी रोजाना आय का एक बड़ा हिस्सा निजी स्वास्थ्य सेवा में खर्च कर चुके थे। अच्छा, जब डॉट सेंटर पे आप दिखाई राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बच्चे को कि टीबी है, डॉक्टर ने ये बताया कि बच्चे को टीबी है, तो और भी कुछ बताया डॉक्टर ने कि टीबी की रोकथाम के लिए, कि और किसी को बीमारी ना फैले, इस सारे में कैसे घर परिवार में रहेंगे, कोई संक्रमण और किसी को ना हो जाए, ये सब बारे में कुछ बताया समझाया डॉक्टर ने कि सिर्फ दवाएँ ही दे दी थी? हमका नहीं पता है, बताइए। हम दवा ले इनके पापा जा रहे हैं, हम दे रहे हैं, हमका नहीं मालूम, ये रहे दोनों जने जात रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता? आपको कुछ मालूम है कि टीबी क्यों होता है, किस लिए होता है? हमका नहीं मालूम। डॉक्टर ने कुछ बताया डॉक्टर सेंटर? आपने और अन्य बच्चों का भी परीक्षण कराया टीबी के बारे में? नहीं नहीं कराया। डॉक्टर सेंटर पे डॉक्टर ने बताया कि अन्य बच्चों का भी परीक्षण करा लीजिए आप? नहीं बताइए। आपको वहाँ पे टीबी की रोकथाम के बारे में कुछ बताया डॉट सेंटर पे? बताया नहीं। आपको और भी बच्चों पर टेस्ट कराइए आप टीबी के बारे में। आपके परिवार में और भी बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। सबका भी परीक्षण करवाया आपने टीबी के लिए? हालांकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण नीति में तो गुणात्मक परामर्श शामिल है,
पर हकीकत में ये पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि परिवार में अन्य बच्चों या सदस्यों का टीबी परीक्षण तक नहीं हो रहा है। अच्छा, बच्चे को टीबी होने से पहले आपके परिवार में भी किसी को टीबी थी? पिताजी को या और चाचा जी को या किसी और बच्चे को टीबी? कोई के नहीं रहा। किसी को टीबी का इन्फेक्शन नहीं था? अच्छा। तो पहले इनके पापा आपको टीबी की दवा चली? First and foremost effective measure which can control, which can prevent tuberculosis in children, that you have to treat the adult cases first. So all adult cases of tuberculosis must be treated effectively, and priority should be given for those who are whose sputum they are positive for acid fast bacilli. So all positive cases, they should be treated effectively. So as earlier, you will intervene on the treatment part of the adult tuberculosis. Of course, the secondary outcome would be that you can control the childhood tuberculosis effectively. तो पर आपके परिवार धूमपान मतलब तंबाकू का प्रयोग करता है? हाँ, लंबा बड़ा अलग खाते हुए। अच्छा, क्या खाता है? सांभार है, तंबाकू खाते हैं, सांभारों खाते हैं। बीनी सिगरेट? सिगरेटा पियते हैं, बीड़ी नहीं पियते हैं। अच्छा, लड़के के पिताजी भी करते हैं बीनी सिगरेट का प्रयोग? हाँ। Actually, after the law which has become enforced now, it is very important that the indoor environment should be tobacco free. There should be exodus particulate material free. Especially, it becomes very important for children, because young children or newborn children or infants, they pick up infections very fast. And these particulate matters, especially from tobacco smoke along with other chemicals, they actually cause at least 2 to 3 times more probabilities of developing infection, and also the latent tuberculosis getting converted into active tuberculosis. So this is high time when we have a law in our hand and we have all desires and ambition to stop and control tuberculosis and try to ensure that the mortality from this disease is reduced to as less as possible. The best will be zero, and this can be done easily by at least one contribution by the society, which can be influenced that the indoor environment in the houses should be by all means should be absolutely tobacco free. Tobacco cessation has to be achieved by the tobacco cessation clinics, and once they are able to quit tobacco, then I'm sure the environment will become better and the incidence of tuberculosis and the mortality from this disease, especially in children, can be brought down to the ambitious zero. तो आपने जीवन के इसके शुरुआती 6 महीने तक का सिर्फ अपना ही दूध पिलाया था या और भी अन्य ऊपर से दूध पिलाया था? अब ऊपर का हम नहीं पिया, हमारे दूध खाली पीते हैं। सिर्फ 6 महीने तक का? हाँ, आपका ही दूध पिया था? ऊपर का नहीं पिलाया था? ऊपर का नहीं पिया, कोनो लड़कन का नहीं पिया। हम अपना पीते हैं, लेकिन बुखार आ रहा है बच्चा तो ऊपर का पीते हैं। अच्छा। शिशु के जन्म के उपरांत 6 माह तक माँ को सिर्फ अपना दूध पिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चा तंदुरुस्त रहे, संक्रमणों से दूर रहे और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े। थोड़ा खाना भी नहीं खा रहा है। अच्छा, खाना नहीं खा रहा है इसे टीबी होने से पहले? हाँ, वजन पता नहीं क्या किलो था, तो उलार था 30 किलो। 30 किलो का वजन था पहले जब गिरा था? उलित ना करते रहे पहले 25। और कोई फल फलहारी खाक होता है तो थोड़ा होता है, पर जब वजन कम है वजन कम था टीबी होने से पहले भी वजन कम था। खाना चूल्हा पर पकाई थी, लकड़ी से। टीका आता है टीबी के इलाज के लिए, टीबी से बचने के लिए, जो सरकार के द्वारा मुफ्त में लगाया जाता है सभी बच्चों को, उसको कहते हैं BCG। तो BCG का टीका बच्चे को लगा था कि टीबी ना हो? नहीं, पर हम यहाँ कोई लड़कन के हमरे नहीं लगी है टीका, कोई नहीं लगा? हाँ, कोई बच्चन के नहीं लगा। आपको बताया भी नहीं गया था कि टीका लगता है मुफ्त में? टीके एक लगवा रहा है, इतना बड़ा कूड़ा बन कर रहा है, तो बरबरा लगे कोई लगवाइबे नहीं, कोई तो हिंद भी नहीं लगी। अस्पताल में बोया हम तो कूड़ा पाक नहीं रहा। बताया था अभी किसी को लगा है? पाक नहीं रहा, ये पोखरो लटी का। अच्छा। फिर यहाँ आंगनबाड़ी का ही रहे लगावे।
दूसरी बार लगवाया? पता नहीं, तब 9 महीना बाद, 9 महीने बाद लगवाया, तब फिर दूसरी बार लगवाया, तब पका था, हल्का हल्का पकड़ है, अब फिर जब तक पाक है। अब इस बार भी बीसीजी का वैक्सीन लगाया है? इस बार कितने साल का हो गया बच्चा लोग लगाए? अब तो 6 साल अब तक। कुल मिला के 3 बार वैक्सीन लगाए हैं बीसीजी का। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वैक्सीनों में से एक है लगभग 80 साल पुरानी बीसीजी वैक्सीन, जो लगभग 80% नवजात शिशुओं तक पहुंचती है। शोध के अनुसार बच्चों को बीसीजी वैक्सीन मेनिंजाइटिस टीबी और डिसमिनेटेड टीबी से बचाती है। दुर्भाग्य की बात है कि बीसीजी वैक्सीन बच्चों को प्राइमरी टीबी संक्रमण से नहीं बचाती, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फेफड़े में जो टीबी का लेटेंट संक्रमण होता है, यानी कि टीबी बैक्टीरिया तो है पर रोग नहीं, उसका टीबी बीमारी में परिवर्तन होने से बीसीजी वैक्सीन नहीं बचाती। हम टीबी नियंत्रित तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सुरक्षित और प्रभावकारी वैक्सीन ना हो, और उसके साथ साथ हमें नए और अधिक प्रभावकारी जांचें और इलाज भी चाहिए। उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आम लोगों को टीबी नियंत्रण में शामिल होना चाहिए और टीबी सेवाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए, जिससे कि वो उसका भरपूर लाभ उठा सकें।